भारत माता की, भारत माता की। यहाँ विशाल संख्या में पधारे हुए पूज्य संतगण को मैं प्रणाम करता हूं। विजयपुरा में तो बालाकोट क्षेत्र का आत्मीय नागरिका बंधु भगिनियरे निमगेल्लरिगू निम्म चौकीदार नरेंद्र मोदी अवरन्न ये मंदिरों मठों की धरती है। ये सभी आराध्य देवी देवताओं को, गुरुजनों को मैं नमन करता हूं। ये वो भूमि है जिसने पसमन्ना का वरदान देश को दिया। पसमन्ना ने अनुभव मंडप की ऐसी धारा देश को दी जो हमारे संस्कारों में रची बसी है। लोकतंत्र और जन भागीदारी का जो मंत्र पसमन्ना ने हमें दिया, उसी के अनुरूप चलने का प्रयास इस प्रधान सेवक ने किया है। भाई और बहनों, पिछले 5 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मविश्वास की जो भी सीढ़ियां चढ़ी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है। मोदी ने सिर्फ आपके सेवक के नाते, आपके चौकीदार के नाते अपना काम किया है, कर्तव्य निभाया है। बीते 5 वर्ष कड़े और बड़े फैसलों के रहे हैं जो आपके ही आशीर्वाद से संभव हो पाया है। साथियों, आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत हमारे देश में चल रही है। कर्नाटक सहित देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को पहली बार 10% आरक्षण का लाभ मिल पाया है, वो भी किसी दूसरे का हक छीने बिना। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को हमने टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है और आजादी के इतिहास में पहली बार सीमा पार घुसकर आतंकवादियों पर भारत ने प्रहार किया है। ये सारे काम अगर संभव हो पाए हैं तो इसके पीछे सिर्फ साफ नियत और स्पष्ट नीति रही है। आपका मजबूत साथ और सहयोग रहा है,
आशीर्वाद दिया, लेकिन सब लोग मानते थे बस हो गया और क्या हुआ, थोड़े से के लिए पीछे रह गए। तब मैं कर्नाटक के विकास का एजेंडा लेकर आपसे बीजेपी के लिए आदेश लेने आया था। आज मैं नए भारत के लिए सहयोग मांगने आपके बीच आया हूं। आपने 5 वर्ष की मजबूत सरकार का भी काम देखा है और आप एक मजबूत सरकार का काम अभी यहां कर्नाटका में अनुभव कर रहे हैं। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते 1 वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। क्या आपने ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? अरे फिर जमकर के बताओ ना। इस नाटक के चक्कर में कर्नाटक में विकास के काम पूरी तरह ठप रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसान की कर्ज माफी का क्या हुआ? सिंचाई की योजनाओं का क्या हुआ? सूखा राहत का क्या हुआ? गन्ना किसानों की तो चिंता करने की फुर्सत ही यहां की सरकार को नहीं है। साथियों, कांग्रेस को ऐसी ही मजबूत सरकार पसंद आती है, ऐसे ही मजबूर मुख्यमंत्री और उनको पसंद आते हैं, और उनको प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मजबूर बिठाना है। मजबूर मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं, और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है, और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं घर कब पे चले जाएंगे। आपका काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि आपके हक के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जो मजबूर सरकार दिल्ली में भी थी तब भी यही स्थिति थी जो आज कर्नाटक की आप देख रहे हैं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री की कितनी पूछ थी, उनको कोई पूछता था क्या? वो कोई निर्णय कर सकते थे क्या?
ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी, कोई हेलीकॉप्टर घोटाला कर रहा था, कोई 2G घोटाला करता था, कोई कोयले की खानों में माल खाता था, कोई कॉमनवेल्थ में से रुपये मारता था, कोई कर्ज माफी में रुपये कमाता था। पिछली सरकार घोटालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही थी। स्थिति ये थी कि दुनिया में भारत की बदनामी हो रही थी, विकास थम गया था और भारत में कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता था। इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 3 दशक बाद एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनाई थी। चौकीदार की मजबूत सरकार और इस चौकीदार की मजबूत सरकार ने कांग्रेस के कुशासन को बदलने का ईमानदार प्रयास किया है। साथियों, खोखले वादे वाली भ्रष्ट सरकार और मजबूत इरादों वाली ईमानदार सरकार में अंतर क्या होता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 2014 में अपनी बड़ी उपलब्धि ये बताई थी कि उन्होंने 1 साल में हर परिवार को 12 सिलेंडर दिए, गैस के 12 सिलेंडर दिए, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो बताते थे। कांग्रेस ने ये भी वादा किया था वो गरीब परिवारों को पर्याप्त मिट्टी का तेल देंगे। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार ने क्या किया, फर्क पता चलेगा आपको। वे 12 सिलेंडर में अटके थे और ये चौकीदार ने क्या किया, जिन गरीब दलित वंचित पिछड़ी बहनों को ये पर्याप्त मिट्टी का तेल देना चाहता था, उनको इस प्रधान सेवक ने LPG गैस का सिलेंडर मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया। पागलकोट बीजापुर सहित कर्नाटक के 26 लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके किचन में आज LPG पर खाना पक रहा है। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए जितने भी सिलेंडर चाहिए वो समय पर आपको आज मिल रहे हैं। ये फर्क होता है सही नियत और बद नियत वाली सरकारों के बीच। साथियों, इसी तरह मजबूत इरादों वाली दमदार सरकार और डरने वाली मजबूर सरकार का अंतर भी आपको मैं बता दूं। 2009 में मुंबई के आतंकी हमले के बाद चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने तब अपने ढकोसला पत्र में, उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला ना, वो ढकोसला पत्र है और कुछ नहीं है। तब उन्होंने अपने ढकोसला पत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या बताई थी, आप भी भूल गए होंगे, कांग्रेस वाले भी भूल गए होंगे और मीडिया के कुछ मित्रों को तो कांग्रेस के लोग कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है या तैयारी नहीं होती है।
मैं याद कराना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अपनी उपलब्धि बताई थी कि उन्होंने यानी मुंबई के बम धमाकों की बात करता हूं, ताज के अंदर सैकड़ों लोगों को मार देने के इतनी भयंकर घटना के बाद कांग्रेस पार्टी क्या लिख रही है वो मैं पाता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि धमाकों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल है। इतनी सी बात को कांग्रेस ने अपनी बहुत बड़ी सिद्धि माना था, बहुत बड़ी जीत बताया था। अब बताइए, पाकिस्तान ने माना कि आतंकी उसके है और उसके बाद फिर दंगे की चोट पर धमाका कराता रहा, भारत को ही न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहा। भाइयों बहनों, कांग्रेस की मजबूर सरकार के दौरान पाकिस्तान खुलेआम कहता था कि ये उनके जिहादी है, चलो क्या कर सकते हो। और कांग्रेस की मजबूर सरकार दुनिया में जाते रोती रहती थी, रोती रहती। ये दृश्य था कांग्रेस का, मजबूर सरकार का। और अब दूसरा दृश्य आपके सामने है, 2014 में जो मजबूर सरकार बनाई, आपने जो मजबूर सरकार दी, उसका परिणाम है कि आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकवादियों को मारते हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में रोता फिर रहा है, रोता फिरता है। आज पाकिस्तान से एक ही आवाज आती है दुनिया में, जहां जाता है वहां बचाओ 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 बचाओ। ये मोदी मारता है, मोदी मारता है, मोदी मारता है। लेकिन साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हमारे सपूतों को की है, उसको कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार है, उसको जीत मानने को तैयार है। भाइयों बहनों, सच्चाई यही है कि कांग्रेस हो, जेडीएस हो, ये सारे महामिलावटी राष्ट्रहित में नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक के हित में सोचते हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट पर एयरस्ट्राइक को ज्यादा न उछाला जाए, उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप बताइए, कांग्रेस और जेडीएस का वोट बैंक बागलकोट में है या फिर बालाकोट में? ये कांग्रेस जेडीएस को तय करना है और आपको भी उनसे ये सवाल करने हैं। भाई बहनों, और मुझे बराबर याद है
जब रात में एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान सोया हुआ था और हमारे जवानों ने रात के 3 बजे हनुमान कुत्ता लगाया। कल हनुमान जयंती है ना, और सब कुछ पाकिस्तान ने सुबह सुबह दुनिया को बताया 5 बजे ट्वीट करके कि बालाकोट में हमला हुआ, भारत के जहाज आकर के बम गिरा के भाग गए, रोना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे, हमला पाकिस्तान में हुआ, लोग पाकिस्तान में मरे और चोट यहां लगी, डर उनको हुआ, रोना यहां आया, तो बैठ गए सुबह गूगल पे और उन्होंने घोषित कर दिया कि बालाकोट पाकिस्तान वाला नहीं है। किसी पे तो बालाकोट ही बालाकोट लग गया, किसी को लगा कि हिंदुस्तान की सीमा में बालाकोट है। 2-3 घंटे तक देश में बता दिया कि मोदी झूठ बोलता है, ये तो हमारे यहां है, पर यहां पे तो अब गिरा था क्या, बागलकोट को भी नुकसान हो रहा था क्या? लेकिन उन्होंने बागलकोट और बालाकोट का भी ऐसा झूठ चलाया। भाइयों साथियों, देश कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को हिंदुस्तान भली भांति पहचान चुका है। कांग्रेस पर जब भी अस्तित्व का संकट आता है तब वो समाज में बंटवारे का जहर भर देती है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी आपने देखा कैसे आस्था के आधार पर भाई भाई में दरार डालने का काम किया, मां के दूध में दरार करने की इन लोगों ने कोशिश की थी। कांग्रेस के मंत्री खुलकर स्वीकार कर चुके हैं कि लिंगायत समाज को वोट बांटने के लिए कैसे खतरनाक साजिश इन्होंने रची थी। क्या मां का दूध कभी दो टुकड़ों में बन सकता है क्या? क्या मां के दूध में दीवार बन सकती है क्या? इन्होंने ये पाप किया था, आज भी इसी बात को लेकर इनके मंत्री आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के बंटवारे वाले खेल से आपको सावधान रहना होगा। जो कांग्रेस वोट के लिए जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री वालों के साथ खड़ी है, आपको मालूम है ना, जम्मू कश्मीर के नेता बोल रहे हैं और इनके साथी, और यहां जब शपथ विधि के बाद सबने मिलकर के फोटो निकाले थे उसमें वो भी थे, और वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? क्या जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा क्या? जो कांग्रेस देशद्रोहियों को खुली छूट देने की बात करते हो, जो कांग्रेस मोदी को गाली देने के चक्कर में पूरे पिछड़े समाज को ही चोर बताने का काम कर सकती हो, वो वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाई और बहनों, 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, याद है ना, 23 मई को फिर एक बार
फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आप बनाएंगे तब हमने देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है, हर वर्ग के लिए बड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है। संकल्प ये कि भारत को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। संकल्प ये कि 2022 तक हर बेघर गरीब बेघर को उसके सिर पर पक्का घर होगा, पक्की छत होगी। संकल्प ये कि 2022 तक किसानों की आय डबल करेंगे। अभी जो छोटे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा कराने की योजना चल रही है, सरकार बनने के बाद उसको तो लागू रखेंगे, लेकिन अभी जो 5 एकड़ का रोक है, नियम है, वो 5 एकड़ का नियम हटा देंगे और सभी किसानों को फायदा देंगे। मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में आपका आशीर्वाद यहां की सरकार पर भी दबाव बनाएगा कि वो हमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट दे, वरना कर्नाटक के लाखों किसान अब भी इसके लाभ से वंचित रखने का षड्यंत्र ये मिलावटी सरकार कर रही है। साथियों, हमने संकल्प लिया है कि सूखे से निपटने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके तहत पानी के लिए हम मिशन मोड पर काम करने वाले हैं। देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को तकरी के माध्यम से जरूरत वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। कर्नाटक में पहले ही अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक को सुलभ किया जा रहा है, जिसका लाभ बागलकोट भी उठा रहा है। अलामट्टी डैम की साफ सफाई को लेकर भी हर प्रकार की मदद देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, लेकिन यहां की सरकार को फुर्सत ही नहीं है। साथियों, गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए हमारी सरकार गन्ने से इथेनॉल बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान पहले ही शुरू कर चुकी है। इस कदम से चीनी की अधिक पैदावार होने पर आपका पैसा मिलों में नहीं फंसेगा। इथेनॉल बनने से कीमत भी आपको ज्यादा मिलेगी। भाइयों बहनों, किसान के साथ साथ बुनकरों के लिए भी अनेक काम हमने किए हैं। बागलकोट की इकल साड़ियां बनाने वालों को पेंशन मिले, इसके लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना बनाई है। इस योजना से जुड़ने पर 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपया हर महीने पेंशन मिलेगा। साथियों, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्राण है। ये प्राण तभी मजबूत होगा जब आप कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे। खुद भी वोट दीजिए और दूसरों को भी वोट देने के लिए लेके जाइए, और आपका एक एक वोट इस चौकीदार के खाते में ही जाएगा। आज मैं आज बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी कहूंगा कि वो पूरी शक्ति से पूरी जी जान से काम में लगे आए। उनकी तपस्या ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी, मजबूत सरकार बनाएगी। और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, आप देश में मजबूत सरकार चाहते हैं? आप देश में मजबूत सरकार चाहते हैं?
देश को मजबूत सरकार चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, मजबूत होने के लिए चौकीदार भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, एक नारा लगाएंगे, मैं जब नारा बुलाऊंगा आप बोलिए मैं भी चौकीदार, बोलेंगे मैं भी नन्ना ज्योति अल्ली हेड़ी नानो चौकीदार, नगरा नगरा यल्लारू, मक्कल मक्कल यल्लारू, हरी यलूपुरा, ताई अक्का तंगी, मने मने यल्ली, अलुवा भमे यल्लू, पाग नल्लू, देता ओगले, देता गरी अल्लू, डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा, शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा, राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा, काले गालू कुड़ा, रेता कर्मी का कुड़ा, व्यापारी कुड़ा, वकीलू कुड़ा, विद्यार्थी कुड़ा, सारा देश चौकीदार। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत